अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेशक ये बात सच है कि जिसे अल्लाह चाहे। आज इसी मुहावरे को सच बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर अल्लाह चाहे तो आप समंदर के बीच में भी खड़े होकर पानी के एक छींटे से भी बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक ताज़ा तरीन मॉडल का सिराते मुस्तकीम पर चलने का फ़ैसला और उनकी शोबिज लाइफ से जुड़ी कुछ खबरें। वीडियो छोटी मगर इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तमाम देखने वालों से मेरी इस वीडियो को पूरा देखने की गुजारिश है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने की भी गुजारिश है ताकि आने वाली तमाम सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मॉडल अनम मलिक ने मॉडलिंग के कैरियर को खैराबाद कहकर दीन इस्लाम के खातिर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मॉडल अनम मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे हिजाब पहनने पर आप सबके प्यार और हौसला अफजाई का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्यों मॉडलिंग छोड़ दी और हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूंगी और आप सबको इस सफ़र के हवाले से ज़रूर बताऊंगी। अनम मलिक ने कहा कि अभी मैं बेशुमार नई चीज़ों को दरियाफ्त कर रही हूं और इन सब चीज़ों के लिए मुझे मज़ीद वक्त चाहिए। अनम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तमाम तस्वीर डिलीट कर दी हैं और वो हिजाब में ही अपनी तस्वीर शेयर कर रही हैं। इसके अलावा अनम मलिक ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है कि और अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। ख्याल रहे कि मॉडल अनम मलिक मुत्तद मारूफ ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स के साथ काम कर चुकी है और उनके शौहर जिब्रान राहिल म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं। अनम का ये नया अंदाज़ आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि अनम इस राह दीन पर मुस्तकिल रह पाएंगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन थोड़े या लंबे अरसे के लिए जो भी है अनम को हम सिरात मुस्तकीम पर आने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी मेहनत से बनाई गई ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्द ही किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।